देखो क्या मस्त लग रहा, गजब का भाई। इधर देखो है ना, गजब का। तो इस हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, जरा एक पार्सल आया था मेरा, डिलीवरी बॉय ने कॉल करा है, तो शायद उसने ऊपर दुकान पे रखा हुआ है। तो चलो, तो ये है शायद डिलीवरी वाले भाई। तो अंदर पूछते हैं मनु चाचा। मनु चाचा, एक सामान आया। तो ये है दोस्तों मेरा पार्सल। तो दोस्तों भाई, अभी मैंने अपना सामान रिसीव कर लिया है। तो वो बंदा भी वैसे वहीं था, वो डिलीवरी वाला भाई, बट भाई ने वहाँ दुकान पे रख दिया था, इस करते हैं। तो तब तक आप लोग गैस करो कि क्या हो सकता है इसके अंदर। तो करते हैं इसकी ज़रा अनबॉक्सिंग और देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। तो दोस्तों चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और अंदर में काफ़ी ज़्यादा धक 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 हुआ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कैसा राहुल फोन? मस्त एकदम, गजब भाई। ऑन बानो करते हैं। हाँ हाँ, तो ये फोन तुझे क्या लगता है, मेरा ही होगा? लग तो रहा भाई, तेरा ही है। हो सकता है किसी ने गिफ्ट कर दिया होगा। तो एक्चुअली ये फोन मेरा नहीं है, तो मेरे बड़े भाई सैली ने मंगवाया था ये फोन। तो उनका फोन है, मेरा फोन नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट 2 महीने हो रहे मुझे नया फोन लेते हुए। तो हम इतने पैसे वाले नहीं है कि हम फोन ले लें। तो ये फोन है OnePlus Nord 2। तो इसको आपने देखा होगा इसका प्राइस क्या है, क्या है, अमेजोन पे देखा होगा आप लोगों ने। तो ये है फोन, तो यही था, बाकी सब एडाप्टर वगैरह। बाकी इस पर तो ईयरफोन नहीं मिला गया इसमें। मैंने फ़ोन मंगवाया था ना, तो मुझे ईयरफोन मिला था, बट इसमें ईयरफोन नहीं है सर। ईयरफोन नहीं है सर, क्या है ही नहीं, ईयरफोन है ही नहीं भाई इसमें, मिलता ही नहीं। राजेश को अलग से, सैली को अलग से ईयरफोन मंगाना पड़ेगा इसमें। अरे मुझे लगा ईयरफोन है इसमें, एडाप्टर है, केबल है, और बाकी इसमें वो फ़ोन के पीछे का बैक कवर है, बस वो यही चीज़ है। तो अब करते हैं इसको पैक। तो अभी मैं सुबह से परेशान हो गया था रूम पे, मतलब अंदर ही रह कर। तो अभी ज़रा चलते हैं घूमने। तो आज ना यहाँ, मतलब हमारे उत्तराखंड के CM आ रखे, तो शायद अभी आ रहे हैं ये सब लोग, उन्हीं के लिए रुके हुए हैं, मतलब हमारे कॉलेज में। ये है अपना कॉलेज। तो अभी ज़रा पीते हैं, कुछ पी लेते हैं। क्या पीते हैं? हाँ ये वाला पीते हैं। ये कौन सा? सॉरी सॉरी सर। तो अभी एक चॉकलेट मिल्क स्मूथ, इसको पीते हैं जरा। ये ना मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। ये रहा फिर से मार्केट, और मार्केट में देखो आज कितनी कम भीड़ है, मतलब बिल्कुल सोना सोना पड़ रखा है। तो हम चलते हैं इधर साइड। ये है गोपीनाथ मंदिर का गेट, मतलब यहाँ से अंदर करोगे तो आप गोपीनाथ वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। तो ये है गोपीनाथ मंदिर, और अभी हम जाएंगे उधर घूमने, वो लास्ट उधर जहाँ पे वो टावर दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे चलेंगे। और ये है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी प्यारा सा एक पेंटिंग बोल सकते हैं इसको, आर्ट बोल सकते हैं आप। बाकी योगी भाई और हम चलेंगे यहाँ पे घूमने। और मेरे को कौन लेने का है मुझे।
तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, एक पार्क है गोपेश्वर का फेमस पार्क है दीनदयाल पार्क, तो वहाँ पे चलेंगे। तो मेरे साथ हैं भाई योगी, तो चलो आज आपको यहाँ से ना गोपेश्वर का पूरा व्यू दिखता है, मतलब पूरा क्या पूरा जो इधर नज़दीक वाला एरिया है तो वो पूरा दिखता है, तो वो भी दिखाता हूँ अभी आपको ऊपर जाके। तो चलो पहुँच गए हम पार्क में, तो अब चलते हैं लास्ट ऊपर। यहाँ से जो व्यू है ना गोपेश्वर का, तो वो तो मतलब क्या ही बोलूँ, कुछ गजब का लग रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फूल वगैरह काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। इधर देखो कितने सारे फूल और भाई इधर सारे, वो उधर तक, और हम जाएंगे अभी यहाँ से ऊपर पे, वहाँ पे देखो कितने सारे फूल और इधर साइड फूल ही फूल, फूल ही फूल। तो हम फिलहाल यहाँ पर से तीन रास्ते हैं, तो हम चलते हैं फिलहाल इधर राइट साइड वाले रास्ते पे। तो यहाँ पे देखो भाई कितने सारे फूल हैं, फूल ही फूल, फूल ही फूल। तो इसीलिए बोल रहा था काफ़ी फेमस पार्क है ये गोपेश्वर का। तो यहाँ से गोपेश्वर का व्यू देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है। ये है हमारे भोले बाबा भोलेनाथ, और यहाँ पे छोटा सा कुआं है आगे पे, तो वहाँ पे भी लेके चलते हैं आपको। और बाकी ना यहाँ से जो गोपेश्वर का व्यू है ना, मुझे केवल यही चीज़ मस्त लगता है यहाँ पे, और बाकी सफाई वगैरह तो मतलब एकदम जकास वाले। ये देखो इधर, तो ये है एक कुआं यहाँ पे, इसमें पूरा पानी भर रखा है, हालांकि इसमें हल्का फुल्का गंदा हो रहा है, बट काफ़ी प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और योगी किधर गया? हाँ योगी उधर पे बैठ रखा, वहाँ खड़ा हो रखा, सॉरी। तो हम भी चलते हैं अभी वहीं पे। ओ भाई यहाँ पे पेड़ देखो, ये हमारे दीनदयाल जी यहाँ पे। तो ये हैं वो जिनके नाम का ये पूरा पार्क है इधर का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो इनकी ये मूर्ति है यहाँ पे। तो यहाँ पे searching for a longer day, people feeling like the light has just come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life, life is happy but it's so. तो ये है दोस्तों यहाँ से क्या ही लग रहा गोपेश्वर, इधर देखो। और हमारे भाई यहाँ पे योगी भाई फ़ोटो खींचने के लिए तैयार हैं, तो इनको मैंने कहा जरा मैं पहले वीडियो बना लेता हूँ। तो देखो क्या मस्त लग रहा, गजब का भाई, इधर देखो है ना गजब का। तो इस पार्क को आप 10 में से कितने नंबर देंगे तो आप लोग बताना, और बाकी ये है सामने पर पूरा गोपेश्वर, मतलब दिल खुश हो गया। काफ़ी टाइम बाद आया ना आज मैं, 5-6 महीने बाद आते रहते थे बट 5-6 महीने से नहीं आई। इधर देखो पूरे फूल 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 फूल, और योगी भाई योगी भाई योगी भाई। तो जरा मैं योगी भाई की फ़ोटो लेता हूँ। योगी भाई चल खड़ा होना यार, योगी भाई कितनी फ़ोटो ली। तो एक्चुअली योगी शायद शर्मा रहा है कैमरे पर। अरे सर नहीं शर्मा रहा यार, क्यों तो तुझे प्रपोज करता था। तो देखो ना इधर कितने सारे फूल हैं, मतलब मज़ा आ गया। मैंने ना योगी तेरी कितनी फ़ोटो आई, फोटोग्राफर है ना तेरा भाई, तो तगड़ी तगड़ी फ़ोटो खींच रखी मैंने अपनी और योगी की, मतलब मेरी फोटो योगी ने खींची और मैंने योगी की खींची, मतलब आज योगी ना टोटल में आकर बहुत खुश हो गया कि भाई ने मतलब DSLR भी फेल कर दिया क्यों। अभी तक योगी भाई शर्मा रहा था,
बट योगी भाई ने हमको देखा तो अभी भाई पे जोश आ गया। जोश तो अभी होने वाला है अंधेरा और हम चलते हैं घर की तरफ और व्लॉग भी कर देते हैं फिलहाल एंड। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है और बाकी एक कमेंट कर देना कि आपको कैसा लगा जो आज का ये व्लॉग था और फ़ोन कैसा लगा जो ये पार्क था ये कैसा लगा। बाकी जो भी है कमेंट करके आप लोग इजहार कर देना बेहिचक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय बद्र विशाल, टेक केयर एंड बाय बाय। ठीक है।